हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चंस पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें सन 2000 से लेकर 2018 तक जितने भी एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। तो आज इसका यह एक पहला वीडियो है, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उससे संबंधित एमपी के फर्स्ट वीडियो है। ये एमपी का प्रथम पार्ट है, जिसमें 2015 से लेकर 2018 तक के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कुछ पेड ग्रुप्स लाए जा रहे हैं, जिन पेड ग्रुप को आप जुड़कर हमारे द्वारा घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप्स यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा तथा यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हेतु बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको फुल स्टडी मटेरियल तथा शुरू से हम कहते हैं कि हमारे वीडियो सारे फ्री रहते हैं, तथा इन पेड ग्रुप्स को आप यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको कई प्रकार की पीडीएफ्स, कई प्रकार के वॉइस मैसेजेस, स्पेशल समरीज तथा कई प्रकार की स्पेशल्स एवं पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। तो बनिए रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। देखिए, एमपीपीएससी में एमपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि मध्य प्रदेश का राज्य के पक्षी का नाम क्या है। जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात होगा कि मोर तो हमारा एक राष्ट्रीय बोल सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी है, मुरहन हमारा हो नहीं सकता, शाही बुलबुल एवं तोता। तो हो सकता है कि शाही बुलबुल एवं तोते में हो, तो इसका आंसर होगा शाही बुलबुल। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है, शाही बुलबुल है। शाही बुलबुल से तात्पर्य हमारा क्या है, पेराडाइज फ्लाई कैचर। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पेराडाइज फ्लाई कैचर, किस प्रजाति का है ध्यान रखिएगा, यह तक पूछ सकते हैं कभी भी। तो शाही बुलबुल मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, मध्य प्रदेश के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय एवं उत्तरदायी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम है, वह वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 2005। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, 2005 की। सन 2000 में मध्य प्रदेश में राजकोषीय एवं बजट हेतु एक प्रबंधन निकाय बनाया गया था, जो राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित करता है, राजकोषीय, अर्थात राज्य सरकार का जितना भी कोष है, जितना भी उनका जो बजट है, जो अन्य प्रक्रियाएं एवं संविधानों पर लागू होता है, उन संविधाओं से संबंधित जो भी अधिनियम था, वह सन 2005 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कमण्य पुरस्कार मिल चुका है। तो कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित मध्य प्रदेश अलग अलग तोहफे देता रहता है, तो इसी से संबंधित एक योजना थी जिसका नाम था भावांतर भुगतान योजना। ध्यान रखिएगा, मैंने पूर्व में बताया था कि यह योजना किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित। तो इसका आंसर होगा बी, अर्थात भावांतर भुगतान योजना क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भावांतर भुगतान योजना क्या है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कृषि की बात हो रही है, तो भावांतर भुगतान योजना एक ऐसी योजना है जिसके, मान के चलिए कोई एक गेहूं की उपज है, उस उपज का एक समर्थन मूल्य 1100 रुपये है तथा मार्केटिंग मूल्य इसका 1600 रुपये है। यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति इस भुगतान योजना के अंतर्गत आता है, इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, इस योजना के अंतर्गत अगर वो रजिस्टर्ड है कोई भी किसान, तो उस किसान को यदि उस हानि, यदि मान के चलिए उस फसल की यदि हानि होती है, क्या कारणवश, किसी भी कारणवश ओलावृष्टि हो गई, पानी गिर गया, किसी भी कारणवश यदि उस फसल की हानि होती है या उसको मूल्य भाव नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट उसकी फसल को लेकर जो अभी समर्थन मूल्य रखा गया है, जैसे हमने माना था कि 1100 रुपये समर्थन मूल्य रखा गया है, तो उस समर्थन मूल्य उसको क्या करती है, किसान को उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर होगा कृषि। ध्यान रखिएगा, भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह है आपका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कान्हा किस लिए क्यों प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शेर, गाय, हाथी, देखिए यहाँ पर मुख्य क्या है इसकी बात हो रही है कि कान्हा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए एवं अदर पीसीएस के लिए भी। ध्यान रखिएगा, अदर पीसीएस वाले भी कई प्रकार इन्फॉर्मेशंस पूछते हैं किससे संबंधित, राष्ट्रीय उद्यान संबंधित। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए संबंधित है। मान के चलिएगा मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, बाघों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं,
जिस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है वह क्या है? ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में आए थे, ये वही क्वेश्चन है। 2018, फिर 2016, फिर 2015, ऐसे कि हम उल्टी सीरीज इसको शुरू कर रहे हैं। तो जिस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है वह कौन सा है? तो आपको सभी को याद होगा कि उसका आंसर है चरण पादुका नरसंहार। ध्यान रखिएगा, चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि कार्यवाहक राज्यपाल की लिस्ट की बात कर ली है तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, भाजपा से हैं। ध्यान रखिएगा, और सरकार किसकी है वर्तमान में? तो वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यवाहक राज्यपाल इसमें से कौन नहीं रहे। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जस्टिस एनजी जोसा थे, सॉरी ओझा थे, उसके बाद जस्टिस पीवी दीक्षित भी थे, जस्टिस डीपी सिंह यहां पर नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल रही नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो उसका आंसर है जस्टिस जीटी दीक्षित। जीटी दीक्षित ही एक ऐसे मात्र राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक नहीं रहे, बाकी तीनों राज्यपाल जो हैं वो कार्यवाहक रहे। मैं आपको कार्यवाहक की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि यदि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल की सीट को समर्थन करता है या राज्यपाल की कार्यकाल को या राज्यपाल की जो कार्य हैं उनको देखता है, तो वह क्या कहलाएगा? दूसरे राज्य के लिए कार्यवाहक राज्यपाल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनके पूर्व के जो राज्यपाल थे वो भी कार्यवाहक राज्यपाल थे जो गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक आछो पूर्वी देशांतर या उसके निकट तम स्थित है? ध्यान रखिएगा, यह सॉरी 80 पूर्वी देशांतर होगा कि 80 पूर्वी देशांतर के निकटतम स्थित है। तो इसका आंसर है जबलपुर। ध्यान देखा, यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया। ध्यान रखिएगा, अक्षांश एवं देशांतर, आप यदि किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अक्षांश याद रहना चाहिए, अक्ष के लंबवत, देशांतर दो देशों के मध्य की दूरी। आप इतनी इस टॉपिक को समझ के आप उसको आगे रिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? ध्यान रखिएगा, नेपा नगर मध्य प्रदेश का बहुत फेमस उद्योग से संबंधित क्षेत्र है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए बहुत फेमस है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व प्रसिद्ध है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कागज से संबंधित उस टॉपिक से कि यदि एक टन, ध्यान रखिएगा, यदि एक टन अगर आपको कागज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी? तो लगभग 22 टन। ध्यान रखिएगा, 22 टन, यदि आपको एक टन कागज बनाना है तो लगभग आपको 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर होगा नेपा नगर अखबारी कागज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, खबर राष्ट्रीय एक शारीरिक संस्थान है मध्य प्रदेश का, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान की राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम एवं मंदसौर। देखिए, अलीराजपुर हो नहीं सकता, रतलाम भी इधर नहीं हो सकता है गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो, और मंदसौर देखा जाए तो गुजरात तो बहुत दूर है, यहाँ पर सिर्फ राजस्थान की बॉर्डर आती। तो इसका आंसर होगा झाबुआ। ध्यान रखिएगा, झाबुआ एक ऐसा अपना मध्य प्रदेश का जिला है जो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को दूर से छूता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके आसपास की सभी सीमाएं, सीमाओं से लगे सभी राज्य एवं संभाग से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भ्रंश घाटी पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा चंबल घाटी। ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी एक भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, बाकी सोन घाटी, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी एक भ्रंश घाटी का प्रकार है। ध्यान रखिएगा, एक भ्रंश घाटी है परंतु चंबल घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, चंबल घाटी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी घाटी जो बीहड़ों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर बीहड़ क्या होते हैं, मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगा कि बीहड़ वह चीज़ होती है जो नदी के कटाव एवं अपरदन से जल्द एक बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, कई अपना जैसे सकते हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, कई पूर्व समय इनमें यहाँ पर डाकुओं का बड़ा निवास हुआ करता था, जहाँ पर भीहड़, बीहड़, ध्यान रखिएगा, बीहड़ वाले स्थान पर यह रुका करते थे। तो बीहड़ के नाम से चंबल घाटी भी प्रसिद्ध है, तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। कौन से वित्तीय सहयोग से महिला सशक्तिकरण विभाग में जो तेजस्विनी ग्रामीण चल रहा है मध्य प्रदेश में, कौन सा संगठन है ऐसा? तो आपका याद होना चाहिए IFD, ध्यान रखिएगा IFAD है, जो मध्य प्रदेश में तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रही है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल राइट झाबुआ। ध्यान रखिएगा मैं बताना चाहूँगा कि 2011 की जो जनगणना है आप उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए, एक एक टॉपिक्स एक एक चीज़ें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि 2011 की पूर्ण जनगणना को एक हमारा विस्तृत वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप देखकर 2011 की जनगणना को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। वो एक स्टेट PSC तथा जो भी स्टेट अदर PSC होती है, वो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में भी यह उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा IFAD। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अधिक है, इसके बाद का क्वेश्चन था सॉरी, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जिला योजना समिति में बताऊंगा थोड़ा सा क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कब वर्ष पारित किया गया था, इसका आंसर है 1995 में। ध्यान रखिएगा 1995 में यह क्या किया गया था, पारित किया गया था कि जिला योजना समिति। देखिए मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वप्रथम अपने ही राज्य में लागू किया था। आप सभी को याद होगा पंचायती राज व्यवस्था, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश जिला योजना समिति से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं, देखिए एक केंद्र सरकार का जो एक प्रोटोकॉल होता है वह एक राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद जो भी राज्य सरकार के पास संविधाएँ होती हैं, जो नियम होते हैं वो राज्य सरकार कहाँ प्रोड्यूस करता है, उनके संभाग एवं जिलों में, उन जिलों में अधिक से अधिक गाँवों का समावेश किया जाए, मतलब अर्थात अधिक से अधिक एक ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक की जो भी समिति बनाई जाए वे समिति क्या करेंगी, योजनाओं का निर्माण करेंगी या योजनाओं के निर्माण में भागीदारी करेंगी, उसके लिए यह मध्य प्रदेश की जिला योजना समिति का अधिनियम पारित किया गया था सन 1995 में। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम सन 1995 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ध्यान रखिएगा मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2011 की जनगणना आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात हो रही है कि लिंगानुपात की बात हो रही है, तो आप सभी को याद होगा कि डिंडोरी एकमात्र ऐसा जिला है जो जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ध्यान रखिएगा लिंगानुपात यहाँ पर 100 का रेशो होता है महिलाओं और पुरुषों की संख्याओं में, तो मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो इसका आंसर होगा डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि गुजरी महल किसने बनवाया था? देखिए मध्य प्रदेश हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये कि गुजरी महल किसने बनवाया था, तो आप सभी को याद होगा राजा मानसिंह थे जिन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा गुजरी महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं, राजा मानसिंह ने बनवाया था गुजरी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई और किसके कार्यकाल में शुरू हुई, यह भी बताएंगे आपको कि सन 2011 10 और 11 में क्या हुई थी, ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी माननीय पूर्व श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में। देखिए जिस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जिससे छोटे से छोटे गांवों को बड़े से बड़े गांवों तक तथा बड़े से बड़े गांवों को एक हाईवे तक इनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, उसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक नियम था कि जितने भी गाँव हैं जितने भी तहसील हैं उन सभी गाँवों को उनकी तहसीली सोच से जोड़ना है, अर्थात जितने भी गांव हैं हमारे उन गांवों को उनकी तहसीलों से जोड़ना है, या अर्थात या किसी प्रकार से जो गांव में जो पुराने मकान वगैरह है जो पुराना एजेंडा है उसको समाप्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के अंतर्गत आप लोग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधित आप आर्थिक सर्वेक्षण जरूर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का, आप MP MyGovernment.in पर जाकर आप मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधित सारा डाटा देख सकते हैं तथा उस डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है? देख लीजिए नेशनल हाईवे 3 NH 3 की बात हो रही है, नेशनल हाईवे 3 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन आ चुका था कि सारंगपुर, ध्यान रखिएगा शाहजहाँपुर के थोड़ा आसपास है सारंगपुर, आप उज्जैन से आगे बढ़ेंगे तो आगर के बाद आपको सारंगपुर के लिए रोड मिलेगा, सारंगपुर जो नेशनल हाईवे के 3 पर सबसे पास में, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवेज भी आप पढ़ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल हाईवे है, सारे आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं आप,
और वीडियो को देखते रहिए। आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान क्या था। ध्यान रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी एक कवि रहे, इनका जन्म स्थान अगर उन्होंने पूछा है तो आप सभी सबसे पहले बताना चाह दूंगा इनका जन्म स्थान है होशंगाबाद। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान होशंगाबाद है। होशंगाबाद जिले में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। इन्होंने कई कविताएं, कवि रचनाएं, कई रचनाएं ऐसी लिखी हैं जो कई लोगों को समर्पित कर दी हैं। ध्यान रखिएगा, समर्थित एवं समर्पित में क्या आशा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान होशंगाबाद जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अगर क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय संगीत माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी को याद होगा कि ग्वालियर में है। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के नाम से ही माधव संगीत महाविद्यालय है, एक यह विश्वविद्यालय है। ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का पहला एवं सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है, जहाँ पर आपको संगीत के क्षेत्र में कई प्रकार की डिग्री उपाधि दी जाती हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश के स्टेट में है। और कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर है। अब मैं बताना चाहूँगा ग्वालियर को और क्या कहते हैं, तो ग्वालियर को क्या कहते हैं, जिब्राल्टर, किलो का जिब्राल्टर। ध्यान रखिएगा, किलो का जिब्राल्टर कहते हैं। यहाँ किले बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में ग्वालियर का, तो ध्यान रखिएगा किलो का जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित MPPSC में एक अनोखा वो चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। कई बार स्पोर्ट्स से 5 से 7 क्वेश्चन, 8 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स भी MP का याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन, मध्य प्रदेश में हॉकी का खिलाड़ी है, कौन क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई टूर्नामेंट करता है, कौन बास्केटबॉल का है, कौन किससे संबंधित है, कौन नेशनल है, कौन इंटरनेशनल है, कौन ओलंपिक है। यह सारी चीज़ आपको इससे संबंधित याद होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश का हॉकी का खिलाड़ी कौन था, तो देखिए समीर दाद, श्रीमान समीर दास जी हैं जो मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी थे। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी थे, इनका नाम है समीर दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे रुख करते हैं कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार आप सभी को याद होगा कि रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। ध्यान रखिएगा, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूप सिंह स्टेडियम पर एक क्वेश्चन और कैसा बन सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम दूधिया रोशनी करने वाला स्टेडियम कौन सा है। देखिए दूधिया रोशनी स्टेडियम मतलब सीधी से बात है, यहाँ पर दूधिया कलर की, व्हाइट कलर की या दूधिया कलर की यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। तो दूधिया कलर की अगर क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश का एकमात्र दूधिया कलर वाला रूप सिंह स्टेडियम पहला, एक बोल सकते हो आप उसको कि दूधिया रोशनी करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है, तो वह है आपका रूप सिंह स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, महाराजा रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, आपका ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसको बोल करना भूल गए थोड़ा सा कम, कि मध्य प्रदेश आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत फेमस है रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी को। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कई कहानियाँ पढ़ी होंगी आपने, किस प्रकार उन्होंने खुद को चंद सेकंडों में गोली मार ली एवं अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था, तो उनका था झाबुआ। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी झाबुआ। झाबुआ जिले से इनका क्या हुआ था, झाबुआ जिला में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, हबीब तनवीर जी का पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, तो आप सभी को याद होगा कि रायपुर, मध्य प्रदेश के रायपुर में। ध्यान रखिएगा, एक छत्तीसगढ़ में भी रायपुर है, वहाँ से संबंधित मत मानिएगा इसको। हबीब तनवीर जो थे वो मध्य प्रदेश के रायपुर से संबंधित थे और इनका जन्म रायपुर में ही हुआ था। देखिए MPPSC वाला आर्ट एंड कल्चर्स पे भी कई क्वेश्चन उठाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी कवि हैं उन कवि की लिस्ट को बिल्कुल रख लो, आप कवि की लिस्ट को बिल्कुल पढ़ लो। इस लिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कहीं ना कहीं आपको MPPSC के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है। देखिए MP हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात आ गई कि परमार वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहीं पर रखा गया है कि मध्य प्रदेश में परमार वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था। तो देखिए सबसे पहली बात उपेंद्र की बात करते हैं, तो उपेंद्र नाथ परमार वंश के शासक थे, बिल्कुल थे। मंजू देव भी थे, गंगे देव नहीं थे, उदयादित्य भी थे, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा गंगे देव। ध्यान रखिए, गंगे देव परमार वंश का एक शासक नहीं था, बाकी उपेंद्र देव, मंजू देव एवं उदयादित्य क्या थे, एक परमार वंश के ही शासक थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बताना चाहूँगा मैं आपको कि आपने उज्जैन शहर का नाम सुना होगा, उसमें उज्जैन में श्री महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है जिस पर सबसे पहले हमला परमार वंश के शासकों ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, परमार वंश के शासक से संबंधित महाकाल मंदिर का आपको याद होगा कि इसका पुनर्निर्माण एवं निर्माण के लिए सबसे पहले इन्होंने ही आक्रमण किया था और इन्होंने ही पुनर्निर्माण की बात दूसरी बार इन्होंने ही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेगलैंड का परिणाम है। ध्यान रखिएगा, अगर उत्खात भूमि की बात करते हैं, बेगलैंड की बात करते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो सकता है वायु पर अपरदन, नहीं
अतिचारण नहीं, परत अपरदन नहीं और नालिका अपरदन नहीं। देखिए उत्खात भूमि बैगलैंड अर्थात सबसे पहली बात एक ऐसी मिट्टी जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, या एक ऐसा क्षेत्र जो उत्पादों से भरा हुआ है जो उत्खात के रूप में चेंज हो गया या बैगलैंड कहा जाता है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है फसलों के रूप में, ना ही इसका चारागाह हो रहा है, ना ही वो अपरदन के रूप में। तो इसका आंसर वायु अपरदन तो हो नहीं सकता। अतिचारण मतलब अधिक चारने से हो नहीं सकता, परत अपरदन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन इसका आंसर क्या है? अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना सन 1961 में हो गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यह अधिनियम या यह निगम क्यों लाया गया। देखिए मध्य प्रदेश शुरू से ही एक बता सकता हूँ कि मैं उद्योग के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। सन 2004 से 2016 2017 तक की बात करें तो कई क्षेत्रों में निवेश बढ़े हैं, जैसे आपने नाम सुनोगा इंदौर पीथमपुर है ना, और इसके बाद आगे और देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई निवेश बढ़े हुए हैं। परंतु यथास्थिति के अनुसार आज भी देखा जाए दूसरे राज्यों से अगर इसकी कल्पना की जाए तो आज भी मध्य प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। कुछ भूमि के कारण, कुछ सिस्टम के कारण और कुछ इन्वायरमेंटल डिशेज भी होती है, उन इन्वायरमेंटल सिस्टम्स भी होते हैं उनके कारण एवं कुछ सरकार की अनियमितताओं के कारण इस से संबंधित उद्योग से संबंधित मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई। यह निगम क्या कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कैसे छोटे निवेशों को भी आकर्षित किया जाए। 1961 में इनकी आवश्यकता थी कि जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे निवेश हैं, मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, जो कपड़ा व्यापारी हैं, सूत व्यापारी, किसी प्रकार के जूट व्यापारी हैं, किसी प्रकार के जो छोटे लघु उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए वन डे सिस्टम, वन विंडो सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, वन विंडो सिस्टम की ही बात यहाँ पर आज वर्तमान में की गई है। वैसे के वैसे ही लघु उद्योग निगम की स्थापना सन 1961 में की गई थी कि अर्थात कैसे कैसे आप लघु उद्योग लगा सकते हैं, उसकी क्या नियमितताएँ होंगी, एक ही प्लेस पर एक ही स्थान पर आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? देखिए गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क की स्थापना कहाँ की गई तो मैं बता सकता हूँ आपको, इंदौर में की गई। ध्यान रखिएगा कई लोग पीथमपुर मानते हैं, पीथमपुर इंदौर का ही एक भाग है परंतु इंदौर नहीं है। इंदौर एक अपने आप में एक महानगर है और आप सब जानते होंगे मिनी मुंबई का इसको दर्जा दिया गया है इंदौर। तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कहता है, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन दिया जाता है। मतलब एक मान के चलिए कि आप उसमें एक सोना है, उस सोने को कैसे आप रियलाइज़ किए जाए, उस सोने को आप कैसे नवरत्न के रूप में बदलें या किसी प्रकार से उसको एक्सपोर्ट करें या किसी प्रकार से वहाँ से उसको चेंज करें, वह पार्क कहाँ पर बनाया गया है, वह सिस्टम कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बनाया गया है भैया जी। तो ध्यान रखिएगा गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे कि 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है? देखिए अभी भी बोल रहा हूँ कि 2011 की जनसंख्या पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कुल 7.2 करोड़ है और ध्यान रखिएगा यहाँ भारत की बात की जाए तो लगभग 121 करोड़ है। वो 2017-18 में जो विश्व की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार थोड़ी सी अलग है, परंतु यदि हम एक डाटा मानते हैं तो वह माना जाएगा 2011 के अनुसार। तो हालांकि 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.2 करोड़ है, यानी कि 7.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए फिर से 2011 की जनगणना के ऊपर मैं बता तो रहा हूँ, मध्य प्रदेश को एक स्टेटिकल पॉइंट इतने पसंद है MPPSC लोक सेवा आयोग के कि जनगणना से आधारित कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा सर्वाधिक जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो आप सभी को ज्ञात होगा इंदौर। इंदौर महानगर इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या भी अधिक है, महानगरीय विकास भी अधिक है। पर एक क्वेश्चन अगर आ गया कि महानगरों में अगर इंदौर के बाद कोई ऐसा नगर है तो वह है भोपाल, में बताना चाहता हूँ आपको, इंदौर भोपाल फिर जबलपुर। ठीक है इंदौर महानगर है, भोपाल महानगर है, उसके बाद जो भी है हमारे 4-5 के बाद वो जो भी आते हैं उससे संबंधित है, परंतु क्वेश्चन का आंसर क्या है तो इसका आंसर है आपका इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देखिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की, इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली बेसिक इकोनॉमिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है। तो देखिए सभी प्रधान रखते हैं कि कृषि प्रधान, क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूर्ण कृषि प्रधान है, क्या पूंजी प्रधान है, क्या उद्योग प्रधान। देखिए उद्योग प्रधान तो हो नहीं सकती, अभी मैंने बताया था आपको पूंजी प्रधान मध्य प्रदेश में होगी नहीं क्योंकि जब निवेश नहीं है, जब निवेशक नहीं है तो पूंजी की तो बात होती नहीं है। तो इसका आंसर होगा कृषि प्रधान, कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित एक अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तभी तो मध्य प्रदेश को 3 से 4 बार कृषि कमंडी पुरस्कार मिल चुका है। बने रहिए, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो खनिज नीति सन 1955 में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा, खनिज नीति सन 1955 में शुरू की गई थी। तो खनिज नीति की बात करते हैं सर्वप्रथम कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1955 में शुरू की गई, परंतु खनिज नीति क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश आप सभी को याद होगा कि खनिज के रूप में बहुत बड़ा एक राज्य, उत्पादक राज्य है, कई प्रकार के हीरा है ना, हमारे यहाँ पर हीरे बहुत मिलते हैं मध्य प्रदेश में, पन्ना मैदान रखेगा, हीरा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है हमारे यहाँ, कई प्रकार के ऐसे अभ्रक हैं, कई प्रकार के ऐसे खनिज जो मध्य प्रदेश में स्पेशली मिलते हैं। तो उसके लिए खनिज नीति सन 1955 में लाई गई थी। खनिज नीति से क्या तात्पर्य था कि मध्य प्रदेश की जो खनिज नीति होगी वो क्या करेगी, खनिजों का भंडारण, खनिजों का उत्पादन, खनिज का एक्सपोर्ट, खनिजों में इंपोर्ट तथा कई माध्यम से किस स्टेट में किसको भेजा जाए। देखिए, ICZ का निर्माण भारत सरकार द्वारा 2016 से शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ICZ का जो निर्माण शुरू किया गया है वो एक खनिज नीति का ही एक माध्यम है कि यार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खनिजों की आवश्यकता बहुत पड़ती है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कहीं यदि कोई उद्योग लग रहा है तो वहाँ पर भी यदि उद्योग के लिए अगर जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं या मान के चलिए कोई कच्चा माल की आपूर्ति हो रही तो वह मध्य प्रदेश राज्य वहाँ से आप पूर्ण कंप्लीट कर सकता है। उसी के लिए यह नीति शुरू की गई थी सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। देखिए, अभी भी मैंने पूर्व में बताया था कि औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या क्या हो सकता है, तो इस पर देखते हैं कि वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव या ऊर्जा का अभाव कह सकते हैं आप, कच्चे माल का अभाव या ये सभी। तो इसका आंसर होगा कि ये सभी। देखिए, मैंने पूर्व में बताया था कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इस पिछड़े हुए राज्यों का कारण क्या है कि वित्त का अभाव, सर्वप्रथम तो यहाँ पर वित्त की बहुत मजबूरी है कि वित्त बहुत कम होता है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पास बहुत वित्त की कमी होती है, वर्तमान में भी देखा जाए तो वित्तीय संकट हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बाद ऊर्जा और शक्ति का अभाव भी यहाँ पर रहा है कि कई प्रकार की शक्तियाँ, ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा साथ पर पावर से नहीं होता, देखिए शक्ति ऊर्जा का अलग सेंटेंस के रूप में प्रभावित होती है यहाँ पर। और कच्चे माल का अभाव भी है कि देखिए कच्चा माल यहाँ पर प्रोडक्ट होता नहीं है ना, इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट होता नहीं है, तो बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं कि उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं तो उसको पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसको क्या कर रहा है कि उसको अप्लाई नहीं करने दे रहा है, या वन विंडो सिस्टम चालू किया है, तो उसके लिए मध्यप्रदेश भी शुरू किया गया, जिस प्रकार हमने देखा था अभी खनिज नीति 1955 वाली, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में औद्योगिक विस्फोट का कारण क्या है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमणी कहाँ स्थित है। देखिए पचमणी कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है भैया पचमणी, तो पचमणी है महादेव की पहाड़ी पर, ध्यान रखिएगा पचमणी महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। अब पचमणी क्या है, देखिए मध्य प्रदेश पचमणी बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर, गर्मियों के मौसम में आप जा सकते हैं घूमने के लिए, बहुत मज़ेदार हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश के दो हिल स्टेशन हो गए, एकमात्र की संख्या छिड़ गई है कि अमरकंटक भी एक हिल स्टेशन के रूप में माना जाता है। तो इसी प्रकार अब महादेव की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में पचमणी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है। ध्यान रखिएगा पचमणी में, बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर बारिश की बात करते हैं तो पचमणी में ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश भी होती है। ध्यान रखिएगा पचमणी में ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश की संभावना होती है, बारिश भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही होती है, कहाँ पर, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश के पचमणी पर ही होती है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए तवा नदी किसकी सहायक नदी, तो आप सभी ज्ञात होगा कि नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नदी कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिला है हमारा, उसकी सहायक नदी है तवा नदी, सहायक नदी नर्मदा नदी की है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा जो अरब सागर से गिरती है अमरकंटक से शुरू होती है, और यह सुन लीजिएगा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की है भैया, तवा नदी एवं नर्मदा नदी, यहाँ पर नर्मदा नदी नदी सिस्टम तो पढ़ना है क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, कि यहाँ पर नदियों की संख्या अधिक है इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है भैया जी। तो रखिएगा तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वह है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप सभी को याद होगा कि भेड़ाघाट पर जो जलप्रपात है वह कौन सा है, वह जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। देखिए दुग्धारा, कपिल धारा, सिंचाई ये अलग जलप्रपात है, परंतु बात करते हैं कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो उसका आंसर होगा धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट का जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। देखिए यहाँ पर पठार बहुत अहम भूमिका रखते हैं मध्य प्रदेश की, कितने भौगोलिक भाग है, कितने पठार है, कितनी श्रृंखलाएं हैं, कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कितनी पहाड़ियां हैं, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा प्रावधान नहीं है सॉरी मतलब चंबल घाटी है ही सही मध्य भारत के पठार में। अब मध्य भारत का पठार वही ग्वालियर से शुरू होगा, इधर आपका मंदसौर तक हो जाता है, ग्वालियर के थोड़े से ऊपर वाले भाग से माल शुरू होता है, पूरा मध्य भारत के पठार में शुरू होता है। चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी वहीं से निकलती है, फिर वो मंदसौर होती हुई आगे आगे जाके राजस्थान होती हुई थोड़े से फिर आगे बाद फिर वापस से मध्य प्रदेश में मिलती है और
मृदा अपरदन के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी। उसी के साथ चंबल घाटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। देखिए यहाँ पर जलवायु के पूछ रहे हैं कि क्या भूमध्य सागरीय मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो नहीं। क्या भूमध्य रेखीय प्रकार की है, नहीं। भूमध्य रेखीय प्रकार की तो मध्य प्रदेश की जलवायु हो नहीं सकती, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल समांतर अर्धभाग में, दो भागों में, मध्य प्रदेश को कर्क रेखा दो भागों में बांट रही है, तो इसका आंसर तो हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका आंसर होगा मानसूनी प्रकार की, कि मानसून के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जलवायु होता है। देखिए मध्य प्रदेश को स्वर्ग भी कहा जाता है मानसून के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को मानसून का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा बारिश होती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है। ध्यान रखिएगा कोई भी मौसम में यहाँ पर अत्यधिक सीमा नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मानसून नहीं आता है, बिल्कुल आता है, परंतु एक सीमा देखा जाए कि केरल में बाढ़ आ रही है, इधर भूकंप आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक उठा हुआ क्षेत्र है, एक पठार भी उठे हुए क्षेत्र है, और हमारी जो पहाड़ियाँ हैं उनको चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम थोड़ा सा इधर सकते हैं, यहाँ पर अरावली की है, इधर महादेव है, इधर हमारे पास सतपुड़ा है, इधर हमारे पास अमरकंटक है, इधर हमारे पास करार घाटी है। तो इससे संबंधित मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। देखिए MPPSC को मेला, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कला एवं संस्कृति से कई बार कई टॉपिक्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित है कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो आप सभी को याद होगा सोडलपुर, सोडलपुर में मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है, बहुत फेमस है सोडलपुर मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा के मेले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, उदयपुर की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है भैया जी। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के उदयपुर की गुफाएं हमारे विदिशा जिले में, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के आगे झांसी तरफ अगर जाएंगे आपको तो सांची, फिर विदिशा आपको देखने को मिलेगा। तो विदिशा उदयपुर की गुफाओं मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कौन से रूट पर आता है, अगर हम रूट की बात कर लें तो यह रूट है भोपाल और झांसी का रूट, ध्यान रखिएगा भोपाल झांसी, फिर आप जो भी जा सकते हैं आगे उस रूट पर आपको विदिशा मिलता है, और विदिशा के ही जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा मैं अभी बोल रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर भैया जी MPPSC के लिए, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर की उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कला कहा जाता है भैया, कि पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। तो आप सभी को याद होगा खजुराहो। देखिए खजुराहो एक अपने आप में बहुत बड़ा मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। यहाँ पर कई प्रकार के आपको मूर्तिकला देखेंगे, आप देखना चाहिएगा जरूर। खजुराहो मूर्तिकला के लिए अति फेमस है मध्य प्रदेश में, तो पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। इसी के साथ मैं आपको अन्य के नाम भी बताना चाहता हूँ कि उज्जैन, उज्जैन एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, जहाँ बाबा महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है उसको, या यहाँ पर एक महाकालेश्वर मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध था, हमारे ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद बात करते हैं ओरछा, तो ओरछा आपने देखा होगा राजा राम भूमि, राम भगवान अहिल्याबाई की नगरी, ओरछा नदी, कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार मांडू, अहिल्याबाई का नाम सुना होगा आपने, मांडू जी का, ये सब चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा रायसेन, विदिशा के, सॉरी उज्जैन, खजुराहो, ओरछा और मांडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। देखिए यहाँ पर जनजाति जाति की बात आ गई, लोहासुर एक असुर जी थे जिनको भी अपना देवता मानी जाती है। देखिए यहाँ पर कोई भगवान की संप्रदाय ग्रुप से उसको बांटा नहीं जा रहा है, एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो उसका आंसर है अगरिया। देखिए अगरिया एक ऐसी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। देखिए जातियों के ऊपर कॉन्सेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहली बात उनके देवता, उनका विवाह एवं उनका सामर्थ्य, उनका खान पान, उनके कपड़े एवं उनकी क्या बोल सकते हैं आप, उनकी संरचना, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि जनजातीय जातियों की, ये चार टॉपिक याद रखिएगा आप, चार टॉपिक को पूरा आपका सिस्टम खत्म होता है हमारा जातियों एवं जनजाति का, तो इसका आंसर होगा अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 43 की ओर, भारत भवन कहाँ है। देखिए भारत भवन कई लोग लगा देते हैं साहब, किस भारत भवन दिल्ली में, नहीं यार, भारत भवन मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में। आप सभी को याद होगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल में है, तो मध्य प्रदेश का भारत भवन भी भोपाल में है। विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, सॉरी मिंटो हॉल भवन, विधानसभा भवन और कई प्रकार के जितने भी भवन हैं वह सारे मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए फिर से 2011 की जनगणना को यहाँ पर फिर पूछा गया, तो अभी भी बोल रहा हूँ स्टैटिकल 2011 की जनसंख्या जरूर पढ़ लीजिएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जी कौन सा है। कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST की बात हो रही है यहाँ पर, जिला कौन सा है, तो उसका आंसर होगा झाबुआ। ध्यान रखिएगा झाबुआ जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ST शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। देखिए गौर नृत्य की बात हो रही है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद होगा मुड़िया, मुड़िया एक ऐसी जनजाति है जो गौर नृत्य के लिए बहुत फेमस है। तो गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो मुड़िया जनजाति से गौर नृत्य बहुत फेमस है। ध्यान रखिएगा गौर नृत्य हमारा नृत्य पढ़ लीजिएगा जनजाति से संबंधित, मैंने बताया था कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेतवा नदी किनारे कौन सा स्थित है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको ओरछा राजा राम मंदिर बेतवा नदी किनारे, बिल्कुल आप एक नज़र में लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी भी इस वीडियो को देख लीजिए आप, पूर्व के क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है, आपको इससे ज्ञान होता है कि किस टाइप से एमपीपीएससी वाला क्वेश्चन को पूछ रहा है। भैया जी आप प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं यदि आप अपने ये वीडियो देखा है। तो बेतवा नदी किनारे कौन सा स्थित नगर है भैया, बेतवा नदी किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए ओरछा। देखिए उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है ना, ध्यान रखिएगा। ओरछा की बात करते हैं तो ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन भी एक चीज़ के लिए और फेमस है, रामघाट आपको नाम सुना होगा क्षिप्रा नदी का, जहाँ राजा दशरथ की जो अस्थियाँ थी वहाँ विसर्जित की गई थी उज्जैन के रामघाट में, बहुत फेमस है इसलिए रामघाट बनाया गया था क्षिप्रा नदी किनारे। और यहाँ पर हर 12 सालों में कुंभ लगता है, महाकुंभ जिसको बोलते हैं, सिंहस्थ अभी 2016 में सिंहस्थ लगा था यहाँ पर। तो बेतवा नदी किनारे ओरछा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए बहुत फेमस है। सफ़ेद बाघ की बात हो रही थी कि सफ़ेद बाघ कौन सा क्षेत्र में फेमस है, तो बघेलखंड की, बघेलखंड में सफ़ेद बाघ बहुत पाए थे। धनकी का रीवा पन्ना का पठार के पास में बघेलखंड का पठार आया था आपके नीचे साउथ में थोड़ा सा, तो बघेलखंड का पठार जो है हमारा मध्य प्रदेश का सफ़ेद बाघों के लिए बहुत फेमस है। धनकी का कुछ बघेलखंड का पठार हमारे भारत मध्य प्रदेश के सॉरी मध्य प्रदेश में, और कुछ भाग हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी स्थित है। धनकी का उसको छत्तीसगढ़ वाले राज्य पढ़ेंगे, स्टेट PCS वाले तैयारी करने वाले छत्तीसगढ़ वाले भी इसको देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, तो बघेलखंड जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। देखिए नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो आपको याद होगा कि सतपुड़ा एवं विंध्याचल। देखिए नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी अमरकंटक से शुरू होती है, अवर सागर की गिरती है, भांडेर और मेकालचड़ी में हो नहीं सकती है, सतपुड़ा और विंध्याचल ही होगी इसका। देखिएगा अरावली हो नहीं सकती है, विंध्याचल जो अरावली भी नहीं है। देखिए घाटियाँ पठार और पर्वत ये जरूर पढ़ लीजिएगा MPPSC के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा सतपुड़ा एवं विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि नर्मदा घाटी का उदाहरण है, नर्मदा नदी का घाटा का उदाहरण है भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी होती हुई बहती है, ध्यान रख लेना, नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसको इस क्वेश्चन को मैं पहले पूर्व में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में मलाजखंड जनून में से किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो मध्य प्रदेश में मलाजखंड सबको याद होगा कि तांबे के लिए फेमस है। धनकिया तांबा एक ऐसा खनिज है जो मध्य प्रदेश में भी मिलता है और अच्छी तादाद में मिलता है, अच्छी संख्या रहती है इसकी, संख्या मतलब अच्छा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो मलाजखंड बालाघाट, धनकिया बालाघाट का मलाजखंड की खदान है जो स्पेशली तांबे के लिए बहुत फेमस है। तो मध्य प्रदेश की मलाजखंड की खदान जो है वो किसके लिए फेमस है, यहाँ पर तांबे के लिए फेमस है और बालाघाट वाले जिले में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र, देखिए जल विद्युत केंद्र की बात हो रही है यहाँ सर, बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर शहडोल नहीं होगा, बालाघाट भी नहीं है, जबलपुर भी नहीं है, इसका आंसर है उमरिया। क्या है इसका आंसर, उमरिया, कि बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र उमरिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा जल विद्युत केंद्र क्या होते हैं, यहाँ पर आप सभी को ज्ञात होगा कि जल से विद्युत कैसे बनाई जाती है, उसके पावर्स क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ पर सब बिल्कुल आपको डिटेल में मिलेगा। तो जल विद्युत केंद्र बीर सिंहपुर किससे संबंधित है, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए उमरिया से संबंधित है। उमरिया है हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला, एकमात्र नहीं सॉरी मध्य प्रदेश का एक जिला है जो जल विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थित है, बीर सिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाण उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए फिर कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन उठाया गया है कि निमाण उत्सव, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आपको उनके टॉपिक्स भी बता रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो आप अगर ये आप कवर करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप 16 से 20 क्वेश्चन या 20 से 22 क्वेश्चन आप गारंटेड सही कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ हो। तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निर्माण उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो महेश्वर में, ध्यान रखिएगा मांडू महेश्वर, महेश्वर मंगलेश्वर, महेश्वर, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के एक स्थान है महेश्वर जहाँ पर निमाण उत्सव प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा महेश्वर से संबंधित एक बात बताता हूँ, नर्मदा नदी किनारे यह एक बसा हुआ शहर है और महेश्वर घाट में कई प्रकार की बॉलीवुड जितनी भी मूवियाँ बनती हैं हमारी बॉलीवुड से कई प्रकार की बड़ी बड़ी जो मूवियाँ बनती है जो सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमाण होती है, कोई सी प्रकार की मूवियाँ हैं, कई प्रकार की अधिकतर मूवी की शूटिंग महेश्वर में होती है ना। मैं मूवी के बारे में जानकारी जा तो नहीं दे पाऊँगा परंतु एक होना चाहिए कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी महेश्वर का एक नाम है जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जहाँ पर निमाण उत्सव भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। सबसे पहली बात खजुराहो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, मैंने बताया था अभी मूर्ति कला, उसकी जो मूर्ति कला है
वो बहुत ही प्रेमी है, मूर्तिकला बहुत ही अच्छी है, आप देख के जरूर आइए। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो चंदेल वंश ने, चंदेल वंश ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, नरकी का चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश में संबंधित नहीं है? देखिए साहित्य एवं कला से साहित्यकार भी पढ़ना पड़ते हैं, तो शुरू से देखते हैं लास्ट से देखते हैं कि हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश से हैं, प्रभाकर माचवे भी मध्य प्रदेश से हैं, शरद जोशी जी आपने नाम सुना होगा, शरद जोशी जी की कविता बहुत फेमस है, हम 10वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं, शरद जोशी भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और धर्मवीर भारती, देखिए धर्मवीर भारती जी ऐसे कवि हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? देखिए गठन की बात हो रही है तो आप सभी को बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन याद होगा, आप भी सोच रहे होंगे क्या MPPSC वाला ऐसे क्वेश्चन निकालता है, तो आप पूर्व के ही यह पेपर से इनको ही डिपेंड करके इन्हीं को देखते हुए यह पेपर बनाया गया है, स्लाइड बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का राज्य गठन। पुनर्गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 में क्या गया था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए थे, परंतु सिर्फ राज्य का गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को बात की गई थी, जहां पर MP और वर्तमान का CG, यानी क्या उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं था, परंतु आज देखा जाए तो वर्तमान का छत्तीसगढ़ भी वहाँ पर जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए माना जाता है? देखिए खनिज से संबंधित फिर क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए मुख्य माना जाता है, तो इसका आंसर होगा बैतूल। कि बैतूल एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए फेमस है, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, यहाँ पर ग्रेफाइट्स होते हैं, और ग्रेफाइट मैं नॉर्मल से बताता हूँ कि ग्रेफाइट का क्या उपयोग क्या होता है, तो आपने देखा होगा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया है, है ना, कई प्रकार के उपकरण बनाने में किया है ना, बहुत सारी मशीनरी होती है जिनमें ग्रीसिंग का उपयोग ग्रेफाइट से भी किया था। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए माना जाता है, तो इसका आंसर होगा बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह है सीधा आपका मंजला में, मंजला में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंजला में, बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत बन पाया था? देखिए वन क्षेत्र भी पूछ सकते हैं कि आरक्षित वन, अनारक्षित वन, संरक्षित वन, ये पढ़ लीजिएगा मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के सागौन के वन क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक सागौन के वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 17.8% मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपको याद होगा 72.4% ग्रामीण जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा बाकी शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना अनुसार। अब जब भी नेक्स्ट जनगणना होगी 10 साल के बाद 2021 में, उसमें आपको थोड़ा अनुपात अधिक दिखेगा शहरी जनसंख्या का, क्योंकि आप देख सकते हैं हम भी विकसित हो रहे हैं, है ना, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.4%। देखिए इसका उदाहरण पूछ चुके हैं एक बार, मेंस में आ सका है कि किस कारण हो रहा है, तो पलायन क्यों हो रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पलायन क्यों हो रहा है, गाँव से लोग शहर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक टॉपिक अलग है, इसको बाद में कभी भी समय मिलेगा तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो है इसका मंडला, कि मंजला एक ऐसा जिला है मध्यप्रदेश का जिसमें सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला है, यानी कि स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वह सबसे अधिक है, सर्वाधिक जिसमें है वह है आपका मंजला। तो यह थे आपके सारे MPPSC से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हमने सन 2015 से कल 2018 तक के MPPSC में जितने भी MP क्वेश्चन आए थे, 60 से 61 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को हमने देखा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।